राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम वैशाख माह के 11वें अध्याय के रूप में 11वें दिन के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले 10 दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो सभी महात्म्यों को श्रवण कर वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। मैं आपको 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको वरूथनी एकादशी व्रत की महिमा की जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि वैशाख मास के अधिपति श्री हर विष्णु जी को महीनों में वैशाख माह व तिथियों में एकादशी अति प्रिय है। अतः एकादशी तिथि को माधव तिथि के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट है कि माधव मास की दोनों एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैशाख माह की प्रथम एकादशी वरूथनी एकादशी है। यह वरूथनी एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को भगवान श्री हर विष्णु के वराह रूप अर्थात वराह अवतार के स्वरूप को पूजा जाता है। इस कारण इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप भी इस परम पुण्यमयी तिथि का व्रत रखकर श्री हर विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, संकल्प मंत्र का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी एकादशी या कोई भी व्रत करने से पूर्व भगवान श्री हर के समक्ष संकल्प लेना अति आवश्यक होता है, ताकि श्री हर की कृपा से आपका व्रत बिना बाधा के पूर्ण हो सके। आइए मंत्र को जानें, ताकि एकादशी व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो सके, संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके। सत्यस्ति सत्य संकल्प सत्यवित सत्य स्थिता धर्मो धर्मो च कर्मी च सर्व कर्म विविर्जित है कर्म कर्ता व कर्मेव क्रिया कार्य तथैव च श्रीपति नृपतः श्रीमान सर्वस्य पति रुर्जित है। भक्तों, व्रतों में एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण व्रत, सभी व्रतों में इस व्रत का स्थान सबसे अग्रणी है। व्रती के कष्ट दूर होकर पापों का नाश होता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भिन्न भिन्न एकादशी व्रत की अपनी अलग अलग महिमा है। वरूथनी एकादशी व्रत का पालन करने से सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में रात्र जागरण करने से मंगल ही मंगल होता है। यह रात्र जागरण व्रत का पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था, इस कारण इस एकादशी की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। पुष्ट मार्गीय वैष्णवों के लिए यह तिथि बेहद खास होती है। आइए वैशाख माह के 11वें दिन की कथा श्रवण करें। इससे पहले 10वें अध्याय में मैथिली नरेश श्री श्रुत देव जी से अशून्य सहन व्रत की विधि दान फल के विषय में पूछते हैं। तब श्री श्रुत देव जी कहते हैं, इस व्रत में भगवान श्री हर की स्वर्ण प्रतिमा को पीतांबर आदि पुष्पों से अलंकृत कर प्रतिदिन 4 महीने पूजन किया जाता है। ब्राह्मण को सैया दान का संकल्प कर व्रत की संपूर्ण विधि बता बैसाख में छत्र दान का महात्म्य सुनाते हैं और कहते हैं, बैसाख माह से अधिक कोई पुण्यदायी मास नहीं है जो प्राणी के समस्त पापों का नाश करता है। इस 11वें अध्याय की कथा में मैथिली नरेश श्री श्रुत देव जी से बोले, हे राजन, मैंने वैशाख मास में जो धर्म आपसे कहे हैं वे बड़े ही सुलभ अर्थात आसानी से किए जा सकते हैं। इस धर्म को करने वाले से श्री हरि तत्काल प्रसन्न हो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्मों से संसार के लोग आज भी शास्त्र पुराणों की जानकारी न होने के कारण वैशाख माह के महत्व को नहीं जानते। हे महात्मन, धर्म जिससे लोग अनभिज्ञ हैं वह सभी बताने का कष्ट करें। श्री श्रुत देव जी महाराज बोले, हे राजन, वैशाख माह के कर्तव्य धर्म प्रसिद्ध क्यों नहीं है तथा अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों फैली है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस संसार में पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा सांसारिक भोगों को चाहने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक है, इसलिए जितने भी तामस धर्म है वे संसार में प्रसिद्ध है तथा जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्त करने वाले हैं
वो सभी श्री हर विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। वह पृथ्वी लोक पर छुपाने अर्थात गुप्त रखने योग्य हैं। इसका कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इच्छवाकु के वंश का कुलभूषण काशीपुरी में राजा नरक का पुत्र सर्वभौम नाम का राजा बड़ा ही यशस्वी व कीर्तवान हुआ था। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण तथा सभी राजाओं में उत्तम राजा था। एक दिन वह मार्ग में शिकार खेलने जा रहा था, तभी उसने देखा मुनि वशिष्ठ जी के शिष्य कहीं मार्ग में प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बना रहे हैं, कहीं कुआ बावड़ी को बनवा कर उन्हें स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं, कहीं मार्ग में थके हुए लोगों को बैठा कर पंखे से हवा कर रहे हैं, दोपहर के समय मार्ग में जाते लोगों को छतरी दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल अर्थात पान दान दे रहे हैं, कहीं आंखों में कपूर लगाकर मार्ग की गर्मी को शांत कर रहे हैं। यह सब जब राजा ने देखा तो राजा ने पूछा, हे भद्र, तुम कौन हो और यह सब क्यों और किस लिए कर रहे हो? तब वे बोले, हम सभी वैशाख धर्म गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिसे करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ होता है। इसके अधिक यदि आप जानना चाहते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर पूछो। शिष्यों द्वारा यह सब धर्म जानकर राजा तत्काल ही मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा मुनि वशिष्ठ जी को साष्टांग प्रणाम कर वहां बैठा और पूछने लगा, हे मुनीश्वर, मार्ग में मैंने आपके शिष्यों को धर्म कार्यों में रत देख उनसे पूछा कि यह क्यों और किस फल की कामना के उद्देश्य से कर रहे हो? तब उन्होंने हमें बताया कि हे राजन, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको विस्तार से समझा सकें, अतः आप गुरुजी के पास जाकर सभी धर्म की जानकारी पा सकते हैं। भगवान, मैं आपके पास इन धर्मों को जानने की इच्छा लेकर आया हूँ, अतः आप मुझे बताने का कष्ट करें। राजा के ऐसे प्रश्नों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान आदि कर श्री हर विष्णु का विधि पूर्वक पूजन कर दान करें व ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः तुम अपने राज्य में वैशाख माह का महत्व समझा कर जो इस धर्म का पालन न करे उसे कठोर दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख माह का महात्म्य समझकर राजा अपने राज्य में लौट आया और सभी धर्मों का पालन कर देव निरंजन केशव भगवान की प्रीति में लग गया। हाथी पर ढोल रखवा कर पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या कोई इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान नहीं करेगा और वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा उसे चोर के समान दंड दिया जाएगा तथा राज्य से निष्कासित कर दूंगा। राजा ने प्रत्येक गांव-गांव में धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए जिससे प्रजा को धर्म की जानकारी हो सके और धर्म हीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती सम्राट के शासन काल में धर्म कल्प वृक्ष की भांति सभी देशों में फैलकर लोगों का कल्याण करता रहा। जो व्यक्ति इस राजा के नगर में प्राण त्यागता उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती। राजा के राज्य का कोई भी व्यक्ति यमलोक नहीं जाता था। यमलोक में सन्नाटा छा गया। धर्मराज के मंत्री चित्रगुप्त के पास किसी व्यक्ति के पाप पुण्य लिखने के लिए कुछ न रहा। नरक में कोई पापी न रहा, सारा नरक खाली हो गया। तब एक दिन देवर्षि नारद जी धर्मराज की सभा में जाकर बोले, हे धर्मराज, नरक में पहले की तरह हाहाकार जैसे शब्द अब सुनाई नहीं दे रहे। खोटे कर्म वाले माया और दंभ में बड़े हुए पापी मनुष्य अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठे हैं, इसका कारण क्या है? तब धर्मराज महर्षि नारद जी से बोले, हे मुनिवर, आजकल पृथ्वी का धर्मात्मा राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का अनन्य भक्त है। उसने अपने समस्त राज्य में मुनादी करवा दी है कि सभी बूढ़े बड़े वृद्ध बच्चे स्त्री पुरुष वैशाख धर्म के नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। राजा के भय से सभी धर्म का पालन करते हैं, इस कारण सभी मनुष्यों
का मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है। वैसाख धर्म के कारण भ्रम, हत्या जैसे जघन्य पाप करने वाले भी धर्म के प्रभाव से सीधे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जा रहे हैं। इसलिए हे देवर्षि, मैं उस महाबली राजा से युद्ध कर उसे मार दूंगा। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे निवेदन कर स्वस्थ हो पुनः उससे युद्ध करूंगा। इस प्रकार देवर्षि नारद से सलाह ले मृत्यु, जरा, रोग आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को साथ लेकर स्वयं यमराज यमदंड उठा भैंसे पर आरूढ़ होकर पृथ्वी लोक आकर शीघ्र ही राजा की पुरी को चारों ओर से घेरकर शंखनाद करने लगे। जब राजा ने सुना कि यम सेना को साथ लेकर मेरी पुरी को घेरकर युद्ध की चेतावनी दे रहा है तो राजा अत्यधिक क्रोधित हो अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। यमराज और राजा की सेना के बीच भीषण युद्ध होता है। राजा ने यमराज की सारी सेना को क्षण भर में विजय प्राप्त कर उसे भगा दिया, जिससे क्रोध में आकर यमराज ने अनेकों शक्तिशाली बाणों से राजा पर वार किया, फिर ढाल तलवार उठा राजा को मारने दौड़े। तब राजा ने एक साथ 3 बाणों का प्रयोग कर यमराज की धनुष, ढाल, तलवार आदि को काट गिराया और क्रोध में आकर एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध में आकर अपना दंड उठाया और दंड को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपने परम प्रिय भक्त राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो ब्रह्मास्त्र का निस्तारण कर यमराज को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर श्री हरि की स्तुति करने लगा, आप अपने चक्र से यम की रक्षा करें। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर यमराज को प्राण दान दे वैकुंठ धाम चला गया। यम उदास मन ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जहां लोकपाल और द्वारपाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, पीपल सहित सभी वृक्ष खड़े हैं, नदी कुआ तालाब पर्वत सभी मूर्तिमान हो खड़े हैं। दिन रात मास कला काष्ठा निवेश ऋतु अपन युग संकल्प विकल्प निवेश उन्मेष यक्ष योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अतिपौर प्राकृतिक विकार बात कफ वित्त आदि सभी चराचर सहित मूर्तमान हो सेवा में खड़े हैं। उन सबके बीच यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन हुए कटे वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े और त्राय त्राय पुकारने लगे। उनको देखकर सभी आपस में एक दूसरे को देखकर कहने लगे, यम के यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस यम को अपने कार्य से कभी अवकाश नहीं मिलता, उस यम का चेहरा मलिन, वस्त्र फटे हैं तथा चित्रगुप्त भी उनके पीछे पीछे यहाँ आ रहे हैं। तब यमराज हाथ जोड़कर बोले, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे मार पीट कर मेरे वस्त्र आदि छीन लिए। आपके होते हुए हे ब्रह्मदेव, मेरी यह दशा कैसे हो सकती है? यमराज की ऐसी वाणी को सुन सभा में भारी कोलाहल होने लगा। तब पवन देव ने ब्रह्मा जी की सलाह से सभी की वाणी को रोक दिया। यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठाकर पूछने लगा, यह दुर्गति तुम्हारी किसने और क्यों की? तू कृष केतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सभी वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदय की पीड़ा को दूर करेंगे। तब पवन देव के कहने पर यमराज कृष केतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर में गद गद वाणी से सभी बातें सत्य सत्य बताने लगे। इसके साथ ही 11वें अध्याय की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा का वृतांत 12वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर विष्णु सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।